अनलॉक की प्रक्रिया के बीच अनलॉक 2.0 की शुरुआत आज से हो गई है। बात अगर की जाए तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि 16 तारीख से 22 तारीख तक यानी कि अगले एक हफ्ते तक थोड़ी सी और ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि पिछले एक हफ्ते में कोरोना के हालात का जायजा लिया गया, जिसके बाद लोगों को थोड़ी सी ढील देने की बात कही गई। बताते चले कि ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुकानों को अब शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाने हैं उनके भी समय को बढ़ाया गया है और अब वहां पे कामकाज 5 बजे तक होगा। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू में भी बदलाव करते हुए नाइट कर्फ्यू को रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक रखा गया है। बताते चले कि अनलॉक की प्रक्रिया में अब रियायतें बढ़ाई जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में आई तेजी से गिरावट को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की थी उसके बाद लगातार बिहार के जो आला अधिकारी हैं और विभिन्न जिलों के जो DM हैं उनके साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे और यही कारण है कि अब हालात में थोड़ी सुधार देखते हुए जो रियायत का दायरा है उसे बढ़ाया गया है। बताते चले कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले एक हफ्ते में समीक्षा के दौरान पाया गया कि जो रियायतें दी गई है उसके बाद कोरोना संक्रमण के मामले में भी कमी आई है और यही कारण है कि अब जब एक हफ्ते का जो गाइडलाइंस तैयार किया गया था उसमें थोड़ी और ढील देते हुए समीक्षा की गई तो पता चला कि अब जो समय सारणी है उसमें बदलाव किया जा सकता है। हालांकि जो आज ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी दी है उससे साफ है कि अब 16 जून से लेकर 22 जून तक के लिए एक नया नियमावली तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में अब जो दुकानें हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, वो शाम के 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही सरकारी और गैर सरकारी जो दफ्तर हैं उनमें समय का जो फिक्स किया गया है कितने बजे तक ये संस्थानें चलेंगी तो वो समय शाम के 5 बजे का रखा गया है। इसके साथ ही जो नाइट कर्फ्यू है उसमें 1 घंटे की कटौती की गई है और अब नाइट कर्फ्यू पूरे बिहार में रात्रि के 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक रहेगा। नीतीश कुमार ने अगले एक हफ्ते का जो गाइडलाइंस है उस पर आज उन्होंने रोशनी डाली है। इसके साथ ही क्या कुछ इस घोषणा के बाद जो आला अधिकारी हैं किन चीज़ों की घोषणा करेंगे और भी रियायत का जो दायरा है वो कितना होगा वो हम आपको अगले अपने खबर में जरूर बताएंगे। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।